धारा 370 हटाने के लिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब से लड़ाई ली थी, जब उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान दो निशान दो विधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में जब वो लाल चौक में झंडा फहराने गए तो वहाँ के सरकार वहाँ के लोग उसको जेल में डाल दिया और उसकी हत्या कर दी। उस देश का मुकुट कहा जाने वाला कश्मीर कहीं ना कहीं खंडित नजर आता था। वहाँ के रहने वाले लोगों में जो देश के प्रति दुराभाव फैलाया गया, वैमनस्य फैलाया गया था जो गलत था, उसके कारण भी कठिनाई होती थी। आज अटल जी का भी सपना कहिए पूरा हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी सपना पूरा हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिलता होगा। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाला कश्मीर कहीं अपनी बर्बादी की ओर जा रहा था, लेकिन धारा 370 हटाने का साहस किसी ने नहीं किया। आज कश्मीर में विकास का रास्ता खुला है और कश्मीर में अब सब चीज़ मिलेगा, आरक्षण भी नहीं था वहाँ। आज सौभाग्य की बात है कि देश की बागडोर ऐसे नेतृत्व के हाथ में, आदरणीय मोदी जी के हाथ में और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी के हाथ में, जो सक्षम नेतृत्व था, जो राजनीति वोट के लिए नहीं इस देश के लिए करते हैं। आज देश के अंदर 1952 के बाद यह पहली बार संसद का कार्य इतना लंबा चला और इतने बिल निकले। मेरे को समझ में नहीं आती कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से देश हित भी अगर नहीं समझ सकते तो देश में राजनीति को करने का उनको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।